नमस्कार, मैं प्रिया बौद्ध, प्राइम B24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता एवं पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आगामी 25 नवंबर को आयोजित धर्म सभा के हिस्सा लेने के लिए जोर शोर से बाराबंकी की जनता में जोश भरने के लिए जुटे हुए हैं। इसके लिए वे राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाले बाबर के लिए आग उगलते हुए नजर आए। बाबर की बुराई कर वे जनता को लुभा रहे हैं, तो बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर रामलला को वापस स्थापित करने के लिए दम भरते हुए कह रहे हैं कि प्रदेश की योगी सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर पूरी तरह निश्चित है। उनका कहना है कि राम मंदिर को बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस तरह मुगल बादशाहों के रखे हुए नाम पर हिंदुओं के नाम रखे जा रहे हैं, जिस तरह अभी मुख्यमंत्री ने भगवान राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज, भगवान राम के नाम पर हवाई अड्डे के निर्माण और अयोध्या में भगवान राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया है, उसी तरह अयोध्या में अब राम मंदिर का निर्माण भी जरूर करवाएंगे। एक सवाल पर कि कुछ माह पहले बाबर के वंशजों का अयोध्या आकर ये कहना कि वे राम मंदिर के लिए अपनी जमीन देने तक को तैयार है, इस पर भाजपा के इन पूर्व विधायकों का कहना है कि बाबर आतंकवादी था, उसने राम मंदिर को ढहाकर बाबरी मस्जिद बनाई थी, हमने बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर फिर से रामलला को बिठा दिया है, वहां पर पूर्व में भगवान राम का ही मंदिर था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने से जमीन बाबर की नहीं हो जाती है, बाबर का अयोध्या की जमीन जायदाद से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। ऐसे में बाबर के वंशजों का आकर ये कहना कि वे राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। भारत की भूमि रामकृष्ण की भूमि है, इससे मुगलों का कोई मतलब नहीं है। जब बाबर का अयोध्या से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर बाबर के वंशजों की जमीन आई कहाँ से? बाबर के वंशज जमीन देने की बात ना ही करें तो अच्छा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर था और फिर से अब भव्य राम मंदिर बनेगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए बाराबंकी से महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। बाबर आतंकवादी गतिविधि के लेकर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया था और मस्जिद को हमने तोड़ करके राम को पुनः बैठा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजातरीन खबरों से अपडेट रहें।